हेलो फ्रेंड्स, वाओ इंडिया वाओ में आपका वेलकम है। आज हम आपको दिखा रहे हैं अपने गोल्डन लॉयनर्स क्लब की टीम मीटिंग। आज हम सभी गोल्डन लॉयंस मिलकर बहुत इंजॉय करेंगे। नमस्कार, मैं गोल्डन लॉयनर्स की मेंबर सारिका सिंगल। आज मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं आज इस क्लब की मीटिंग की संयोजिका बनने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ और मैं इस चीज़ के लिए बहुत सब मेंबर्स की कृतार्थ हूँ। और आशा करती हूँ कि आज की मीटिंग में जो भी मैं तैयारी करके लाई हूँ, गेम्स करके लाई हूँ, आप सबको पसंद आएगा। राधे राधे। राधे राधे। आप देखो हमने कितनी अच्छी डेकोरेशन की हुई है, क्योंकि सावन चल रहा है तो फिर हमारी अम्ब्रेला डेकोरेशन का कंपटीशन आया था, तो उसके लिए हमारी अध्यक्ष जी ने हमें, ये है हमारी ममता सिंगल जी, इन्होंने हमें अम्ब्रेला डेकोरेशन का साथ दिया था। आज लाइनर्स क्लब की सावन स्पेशल टीच की मीटिंग हम कर रहे हैं और इसमें हमने एक टास्क दिया है अम्ब्रेला डेकोरेशन का, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया है। अब देखते हैं कौन बाजी मारता है अम्ब्रेला डेकोरेशन में। एक टीम भी हमारे यहाँ चुनी जाएगी आज, उसमें भी देखते हैं कौन बाजी मारता है। हमारी संयोजी का बहुत तैयारी करके आई है, जो कि पता नहीं क्या क्या गेम और क्या क्या सरप्राइज लाई है, वो सब सरप्राइज ही है। अभी वो धीरे धीरे मीटिंग शुरू होगी तो खुलेंगे, मीटिंग शुरू होगी तब वो सब पता चलेगा। ये कुछ कंपलसरी गिफ्ट है, कंपलसरी गिफ्ट लाई है, ये गेम के गिफ्ट है, ये फीस ग्रीन के लिए लाई है, हमारा सेल्फी कॉर्नर, हमारी गोल्डन लाइनर्स में आज हमारी तीज का फंक्शन है। तीज, रक्षाबंधन, इंडिपेंडेंस डे, सब चीज़ों का हम पूरा लुत्फ लेंगे और हमारी अध्यक्षा ममता, गोल्डन लाइनर्स ममता सिंगल जी और सलोनी जी, ये हमारी चार्टर मेंबर हैं। सविता जैन जी, हमें लाइनर्स कहने की आदत है क्योंकि सविता जैन जी के साथ लाइनर्स। और ये हमारी सारिका जी आज की संयोजिका हैं, ये भी हमारी वरिष्ठ सदस्य हैं, पुरानी लाइनर्स हैं। साधना गुप्ता जी ये सेक्रेटरी तक रह चुकी हैं, फिर उन्होंने प्रेसिडेंटशिप नहीं ली है, बिल्कुल पुरानी तो तभी पता चलेगा ना। और मैं विदुषी अग्रवाल, मैं यहाँ की कम से कम 20 साल पहले प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ और अब सब लोगों के साथ मस्ती करने के लिए हम यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं। हमें लगता है कि तीज का बहुत अच्छा फंक्शन हमारा होने वाला है। हैप्पी तीज, हैप्पी तीज। कितने खूबसूरत हाथ हैं ये, मेहंदी नचने वाली हाथों में रेली लाली, कर सजना अब सजना हाथों में गिरने वाली है, जीवन को जीवन को नई खुशियाँ मिलने वाली है। हरियाली बनो दुनिया, आने वाले हैं दुनिया, आएंगे आगे दुनिया, नई खुशियाँ मिलने वाली। Yes, I'm going.
सकेंगे तो एक ही नारद देवा सावन दे सावन गाए गाए अपने राजध्वज का अभिवादन करते हैं। इसका गौरव तथा सम्मान बनाए रखने के लिए एक अच्छा नागरिक बनना हम सब बहुत एक्टिव आएंगे और क्योंकि ये जलेबी खिलाती है सबको तो बड़े नीचे
हमारी पंचायत डिजाइनर है हमारी आंटी। डांस की भी नहीं चलो मैं इसमें पेक कर रही हूँ, फिर भी बताती हूँ मैंने क्या क्या लिखा था। बादल, बादल में कौन कौन है? अच्छा, मोर, रेनबो और पानी। अब मैं वो लिस्ट खोल रही हूँ जिनमें मैंने हैप्पी डे लिखा था, उनके नाम आए एक क्लास में फाइव हुई। भारती भटनागर आंटी जी आ जाइए, विक्रेश मामी जी आ जाइए, प्रियंका जैन, प्रियंका की पीछे नहीं निकली लेकिन तुम्हारा निकल गया। प्रियंका मेरे से कौन सा क्लास है हमें बता दे। आरुषि आंटी जी, ये हमारी लकी चार है, बहुत लकी। मेरा सैनी किया है। थैंक यू मैम। इधर इधर देख, ममता सिंगल, ममता जी का है ये, वहीं से ही आया है ये, कमेटी हाँ ये कमेटी में आप उसी में थी वर्षा जी के साथ, कि मैं घर से मंगवा लूंगी और रेनू भी मेरे पास पीछे ही रहती है, मैं उनको भिजवा दूंगी, सब कुछ मुमकिन है। और मेरे ख्याल से सभी हैप्पी हैं जिन्होंने पिछले साल भी काम किया और इस साल भी कर रहे हैं। वो बताएं कौन सा मेरा सेकंड थर्ड फोर्थ। अम्ब्रेला डेकोरेशन कॉम्पिटिशन में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आप आंटी सेकंड आए हो, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है।
आप थर्ड आए हो, आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप नीचे से फर्स्ट आई हो, आपको कैसा लग रहा है? एक ही गाना सब में मनोरंजन करा।